तो जुजुत्सु काइजन का चैप्टर 221 फाइनली रिलीज हो चुका है एंड ये अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है क्योंकि इसमें फाइनली आफ्टर 1184 डेज बाद गोजो अनसील हो चुका है एंड और तो और अनसील होने के बाद उसने केंजाकू के साथ भी फाइट करी एंड सुकुना को उसने देख के मजाक तक उड़ाया। बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में जो कवर करने आए हैं मेरे को और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उस चीज को कवर करने के लिए। तो चैप्टर पूरा देखें एंड अगर चैप्टर के रिव्यू और चाहिए ऐसे ही तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना किसी देरी के चैप्टर की शुरुआत कर। तो इस चैप्टर की शुरुआत थी यूजी एंड हकाबा से जो लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं गोजो को अनसील करने के लिए। तभी एंजल पूछती है कि हम लोग गोजो को इसी बिल्डिंग के अंदर अनसील करने वाले। तभी हकाबा कहता है कि हाँ तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि गोजो अनसील होने वाला इतने टाइम बाद तो चलो कुछ डेकोरेशन तैयार करते हैं। अब हकाबा तो हकाबा है बट एंजल को देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि एंजल फुली रिकवर हो चुकी है एंड एंजल ये बताती भी है कि प्रेजेंट रियल में टाइम बहुत ही डिफरेंटली काम करता है। जस्ट लाइक कि जैसा अर्थ पे टाइम काम करता है वैसे प्रेजेंट रियल में काम नहीं करता है। हो सकता है जब हम गोजो को अनसील करें तो हो सकता है गोजो के लिए वो हज़ार साल का वेट हो या फिर हो सकता है कि जस्ट ब्लिंक ऑफ एन आई वो अनसील हो गए। मतलब टाइम का वहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट मैनेजमेंट नहीं है। वो उसके लिए 100 साल भी हो सकते हैं और 1 मिनट भी। एंड एंजल ये बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ गोजो के मेंटल स्टेट को देखते हुए कि जब वो अनसील होगा। एंड जो को एंजल को देखते हैं कि अगर एंजल वरीड है गोजो के मेंटल स्टेट के बारे में तो हमें शायद गोजो को अनसील नहीं करना चाहिए। तभी एक बहुत ज़्यादा फनी रिएक्शन देखने को मिलता है हकारी एंड यूजी सब लोग उसको बिल्कुल घूर रहे होते हैं। एंड ये चीज़ एक बात थोड़ी बहुत सच भी है क्योंकि हो सकता है जब गोजो अनसील हो तो वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा रेज में आ जाए क्योंकि 19 डेज निकल चुके हैं मांगा के हिसाब से एंड हो सकता है जब गोजो इन सबको देखे कि क्या स्टेट अभी चल रही है करंट में तो वो बिल्कुल बर्सर्क चले जाए एंड सबको मारने के ऊपर उतर आए। बट नेक्स्ट सीन में ये सारे यूजी वगैरह प्रिपेयर हो जाते हैं गोजो को अनसील करने के लिए एंड वो लोग बिल्कुल मिलिट्री टाइप बना लेते हैं एक प्रेजेंट रूम को दूर रख के एंड बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं प्रेजेंट रूम से ताकि अगर गोजो अनसील भी हो तो भी इतनी कोई दिक्कत ना हो। एंड तभी एंजल अपनी कर्ज टेक्निक को यूज़ करती है एंड वो अपना अटैक प्रेजेंट रूम में फेंकती है बट कुछ भी नहीं होता। सडनली प्रिजन रूम वहाँ से गायब हो जाता है एकदम से बिल्कुल गायब। जहाँ पे एंजल कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि प्रिजन रूम गायब हो सकता है गोजो बिल्कुल ईविल हो चुका हो और मेरी लाइट कर्ज टेक्निक से वो बिल्कुल डिसअपेयर हो गया हो। मैं कुछ नहीं कह सकता। एंड ये सब इन दोनों का रिएक्शन देख के बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज स्टेट पर चले जाते हैं। एंड शो को कहती है कि हाँ गोजो की पर्सनैलिटी को देख के उसमें थोड़ी सी ईविलनेस झलकती है एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे इसके ग्लासेस बहुत अच्छे लग रहे हैं जो होगी। बट अगले पेज पे एकदम से एक अर्थक्वेक महसूस होता है बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्केल में एंड हमें केंजाकू दिखाई देता है एंड केंजाकू ये बोलता है कि मैंने प्रिजन रूम को 8000 फीट ग्राउंड के अंदर दफना दिया है कि अगर गोजो अनसील भी होता है तो भी वो इतने प्रेशर के चक्कर में बाहर नहीं आ पाएगा। बट एकदम से अगले ही सीन में हमें सातरो गोजो दिखाया जाता है। What a moment। इस मूवमेंट के लिए हम लोग कब से वेट कर रहे थे कि गोजो कब अनसील होगा एंड गाइस गोजो फाइनली अनसील हो चुका है एंड गोजो अनसील होने के बाद तुरंत केंजाकू की तरफ देखता है जहाँ पे केंजाकू गोजो को देख के बोलता है कि बहुत टाइम हो गया मैं तुमसे मिले हुए। तभी गोजो ये कहता है कि अपने वर्ड्स ध्यान से चुनना केंजाकू क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी के आखिरी वर्ड होने वाले हैं। तभी हमें केंजाकू वर्सेस गोजो के बीच में क्लैश देखने को मिल रहा होता है बट सडनली कोई आ जाता है एंड उनको इंटरप्ट कर देता है और वो और कोई नहीं सुकुना ही होता है। एंड जैसे ही गोजो सुकुना को देखता है वो ये कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो मैगुमी। अब यहाँ पे गोजो बिल्कुल कम्प्लीटली सीरियस है कि उसको सुकुना को हराना ही है बिल्कुल अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है एंड क्योंकि सुकुना अभी मैगुमी की बॉडी के अंदर है तो उसके पास उसका फुल कंट्रोल है इसलिए गोजो कम्प्लीटली सीरियस है। अब सुकुना ने गोजो से ये कहा था कि मैं
तो मैं यूजी की बॉडी के अंदर ही मारूंगा, बट अब सीन चेंज हो जाएगा क्योंकि वो मैगुमी के अंदर है। तो वो बोलता है कि अब बॉडी भले ही मैगुमी की होगी बट मारूंगा तो मैं ही। एंड गोजो इस चीज़ को सुन के बहुत ज़्यादा हंसता है एंड वो ये कहता है कि जो इंसान इतना बड़ा भगौड़ा है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के बीच में शिफ्ट हो रहा है वो मुझे कहाँ से हराएगा, लूजर। गोजो का कॉन्फिडेंट देख के मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी शॉक हो जाता हूँ कि गोजो इतना ज़्यादा ब्लाइंडली कॉन्फिडेंट कैसे है। बट एकदम से रूह में बहुत ही ज़्यादा खिसिया जाती है उनके बीच की बात सुन के क्योंकि गोजो सुकुना का मजाक उड़ा रहा होता है एंड वो उस पर अटैक करने जाती है। बट जस्ट अ सेकेंड गोजो उसको एक हिट में, जस्ट अ सिंगल हिट, वो उसको दूर फेंक देता है एंड बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है वो। तभी केंजाकू बीच में आ जाता है एंड सुकुना की फाइट एंड गोजो की फाइट को रोक देता है एंड वो कहता है कि ये फाइट को कंटिन्यू करने से पहले तुमने मुझसे कुछ प्रॉमिस किया था, वो तुम्हें निभाना पड़ेगा। एंड गोजो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है एंड वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे आया तो था कि सुकुना की बॉडी को हराने के लिए, बट मैगुमी सुकुना जब मैगुमी की बॉडी पे कंट्रोल कर चुका है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, तो इस चीज़ को ख़त्म करने से पहले मुझे कुछ और काम है जिसके बारे में मुझे ध्यान रखना है। अब ये बताया नहीं गया है कि गोजो किस चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, बट आई होप कि अगले फ्यू चैप्टर्स में हमें बता दिया जाए कि गोजो किस चीज़ के बारे में यहाँ पे करेंटली बात कर रहा होता है। तभी गोजो ये कहता है कि आज नवंबर 19 है, हम लोग ये फाइट 24 दिसंबर को करेंगे, मींस 4 डे बाद ये लोग वन ऑन वन करेंगे जो कि सेकेंड टाइम होगा, राउंड 2 सुकुना वर्सेस गोजो। जहाँ पे केंजाकू बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत जाओगे, एंड तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है वो भी फर्स्ट एपिसोड में जब गोजो ने ये क्लेम किया था कि अगर सुकुना अपनी सारी पावर को रिगेन कर भी लेता है तो भी मैं ही जीतूंगा, एंड यहीं से चैप्टर खत्म हो जाता है। व्हाट अ फैंटास्टिक चैप्टर, ये अभी तक का सबसे बेस्ट चैप्टर है जो मैंने अभी जुजुत्सु काइजन में पढ़ा है। व्हाट अ हाइप, एंड मैं पर्सनली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गोजो वर्सेस सुकुना राउंड 2 देखने के लिए। बट जैसा कि मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि क्यों सुकुना एंड की फाइट जीतेगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने उस वीडियो में कहा था कि गोजो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर कि वो सुकुना को हरा सकता है, इवन तो उसको मालूम भी नहीं है कि सुकुना अब 20 उंगलियों में कितना ताकतवर है, एंड यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई भी हो रही है। होप सो कि आगे जाके राइटर क्या कोशिश करता है हमें नहीं मालूम, बट व्हाट अ फैंटास्टिक चैप्टर। मैं मिलता हूँ आपको जुजुत्सु काइजन की अगले चैप्टर में, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें फॉर द मोस्ट चैप्टर रिव्यूज। अंटिल सायोनारा।